होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो माई डियर किड्स, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर मात्रा. येस मैम विल टीच यू वन मोर मात्रा. मैम ने आपको पहले कौन सी मात्रा करवाई है? आ की मात्रा. और आज मैम आपको करवाने वाली है छोटी ई की मात्रा. छोटी ई, ओके. छोटी ई का साउंड भी कम आता है, छोटी ई की तरह छोटा ही होता है. छोटी ई, ओके. तो आज आप छोटी ई की मात्रा करेंगे. और आपको मैं एक और बात बताऊं, जब क्लास में बच्चे होते हैं तो मैम बच्चों को कैसे बिठाती हैं? छोटे बच्चों को आगे बिठाती हैं और बड़े बच्चों को पीछे बिठाती हैं ना. तो इसी तरीके से छोटी ई की मात्रा भी आपके व्यंजनों के आगे लगती है, ओके. व्यंजनों के आगे लगती है और हम इसे प्यार से बुलाते हैं छोटी ई, ओके. छोटी ई. तो आज डेट है 24 अगस्त 2021 और मैम आपको करवाने जा रही हैं छोटी ई की मात्रा. चलिए मैं आपको व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा को कैसे बोलते हैं, कैसा साउंड आता है, पहले वो करवाऊंगी और फिर छोटी ई की मात्रा के शब्द. ओके माय डियर किड्स, लेट्स स्टार्ट. तो अब हम नोटबुक में पहले सीखेंगे कि हर व्यंजन के साथ हम छोटी ई की मात्रा को कैसे जोड़ते हैं और कैसा साउंड आता है, ओके. और आप कोशिश यही करना जो मैंने आ की मात्रा में भी आपको सिखाई थी कि मात्रा का साउंड आप व्यंजन के साथ ही लो, अलग से नहीं. उससे क्या होता है कि आपको रीडिंग में आसानी होती है. तो स्टार्ट करें. तो फर्स्ट हमारा व्यंजन है क. तो जब हम क पे लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, मैम ने अभी आपको बताया ना छोटी ई छोटी है इसलिए आगे आती है, ओके. तो ये क्या बन गया? क ई की. क ई की. ख ई खी. ख ई खी. इसका साउंड देख रहे हो आप, मैं धीरे ले रही हूँ, ओके. ग ई गी. ग ई गी. घ ई घी. घ ई घी. और आप देखो कैसे बनानी है ये जो है कैसे बनेगी. च हम लिख रहे हैं, आप च पे ई डालेंगे. देखो कैसे जो हमारी लाइन है, ठीक है, व्यंजन में जो लाइन होती है हमने उसके ऊपर रखना है और वहाँ से हमारी जो मात्रा है वो टर्न करके नीचे आएगी थर्ड लाइन तक, ओके. च ई ची. छ ई छ ई छी. ज ई जी. झ ई झी. ट ई टी. ठ ई ठी. ड ई डी. ढ ई ढी. त ई ती. थ ई थी. द ई दी. ध ई धी. न ई नी. प ई पी. फ ई फी. ब ई बी. भ ई भी. म ई मी. य ई यी. र ई री. ल ई ली. व ई वी. श ई शी. श ई शी. स ई सी. ह ई ही. ओके. तो ऐसे हम व्यंजन के साथ जो है अपनी ई की मात्रा का साउंड जो है सीखते हैं. और ध्यान रखना ई की मात्रा का साउंड जो है वो धीरे आता है और ई की मात्रा छोटी है, छोटी ई है, तो हम इसे आगे की तरफ लगाते हैं, ठीक है. आपने व्यंजन के ऊपर राउंड ले जाते हुए थर्ड लाइन तक टच करना है. अब हम इसके शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे कि ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के साथ शब्द कैसे बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, ओके माय डियर किड्स. तो अब हम लिखेंगे ई की मात्रा के शब्द. तो ये हमारा पहला शब्द है, ये है पिन. प ई न पिन. तो हम इसे कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प ई. प ई. देखो ई की मात्रा आपने केयरफुल देखनी है कैसे, जो आपका मात्रा का जो डंडा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर से आपने मात्रा स्टार्ट करनी है और आगे की तरफ. प ई न.
प इन पिन, प इन पिन, प ई न पिन, या आप साथ में बोले पी न पिन, ओके। अब आपका नेक्स्ट है द इल दिल, द इल दिल, दी ल दिल, द ई ल, द इल दिल, दिल दिल। अब ये है हमारा अगला शब्द ई की मात्रा का, छोटी ई की मात्रा का, ग ई ला ला, देखो मैं आ की मात्रा साथ में बोलूं, ला स गिलास, ग ई लास गिलास, ओके गिलास, ग ई ला स गिलास, गी ला स गिलास। अब ये है हमारा अगला शब्द बारिश, ब आ बा र ई श बा री श बारिश, बा र को ई, ठीक है ऐसे नहीं बोलना, ओके बा र ई श बारिश, ओके बारिश। अब ये है प ही या पहिया, प ह ई या प ह ई या, प ही या पहिया, प ही या पहिया। अब हम एक बार फिर से इन शब्दों को रीड करते हैं। हमारा पहला शब्द है प ई न पिन, प ई न पिन, पी न पिन, पी न पिन, द ई ल दिल, द ई ल दिल, दी ल दिल, दी ल दिल, ग ई ला आ स गिलास, ग ई ल आ स गिलास, गी ला स गिलास, गी ला स गिलास, ब आ र ई श बारिश, ब आ र ई श बारिश, बा री श बारिश, बा री श बारिश, प ह ई य आ पहिया, प ह ई य आ पहिया, प ही या पहिया, प ही या पहिया। आई होप माई डियर किड्स आपको छोटी ई की मात्रा की नॉलेज हो गई होगी। याद रखना छोटी ई की मात्रा छोटी है तो हमेशा आगे आती है, ओके माई डियर किड्स, थैंक यू सो मच।